जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई वह है यूरोपियों का भारत आगमन। ये भाई साहब यूरोपियन लोग जो भारत में आते हैं तो पूरे विश्व का मानचित्र को बदल के रख देते हैं। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। देखिए, ये जो पैसे आप देख रहे हैं ना, ये पैसा, इसमें कुछ खुशबू है। इसकी खुशबू जो है ना, एकदम मदहोश कर देती है। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग है कि यह यूरोपियंस को भारत में आने के लिए मजबूर कर देता है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, यूरोपियंस लोग के पास पैसा नहीं था क्या? पैसा था उसके पास भी, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी, उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उतने लोग धनी नहीं थे। उस समय जो यूरोपियंस थे वह ढूंढ रहे थे कि पैसे कैसे ज़्यादा बनाया जाए, क्योंकि उतनी संपन्नता वहाँ नहीं थी। भारत में संपन्नता बहुत अधिक थी। कहा जाता है कि पूरे दुनिया में चीन और भारत में, उस समय जब यूरोपियंस भारत और एशिया की तरफ आगे आ रहे थे, तो पूरा 60% से भी ज़्यादा, यानी 66% तक जीडीपी अकेले भारत और चाइना प्रोड्यूस करता था। इतना ज़्यादा संपन्नता था। तो आप ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि यूरोपियंस लोग भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुए, क्योंकि पैसे की खुशबू उनको खींच के ले आया। देखिए, पैसा जो है ना, यह एक प्रकार से आपसी सद्भाव का एक बहुत बेहतरीन इजाद है। मनुष्य ने पैसा जब बनाया होगा तो उसने जरूर ये बात, ये कल्पना भी नहीं किया होगा कि पैसे किस तरह से काम करेंगे। यह पूरे दुनिया को बदल के रख दिया। ये पैसा ही है जो पूरे अर्थव्यवस्थाओं को चलाती है। तो आज हम इसकी महिमा को तो जानेंगे ही, हम ये भी जानेंगे कि कैसे यूरोपियंस लोग भारत के अंदर में आते हैं और किस तरह से वह बहुत सारे चीज़ों को बदल के रख देते हैं। यहाँ की संस्कृति तक को प्रभावित करते हैं, यहाँ के भाषाओं को प्रभावित करते हैं, यहाँ के व्यापार को प्रभावित करते हैं, यहाँ के जीवन शैली को प्रभावित कर देते हैं, यहाँ के संस्कृति तक को प्रभावित करते हैं, इतिहास को प्रभावित करते हैं, और उन्होंने मतलब जीवन के संपूर्ण चीज़ों को प्रभावित कर डालते हैं। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूरोपियंस लोग जो भारत में आए उसके पीछे मेन मोटिवेशन क्या था। मेन मोटिवेशन तो व्यापार करना ही था, और व्यापार भी किस चीज़ का? मसालों का। क्योंकि उस समय भारत में मसालों की पैदावाइश बहुत अधिक होती थी, खास करके दक्षिणी क्षेत्र में। ये जो केरल आप देख रहे हैं, केरल तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर मसालों की खेती बहुत अधिक होती थी। और मसाला जो है ना, वो आप जानते हैं कि मांस को संरक्षित रखने के लिए भी जरूरी होता है। तो यूरोपियंस में तो आप जानते हैं कि यूरोप में काफ़ी ठंडा पड़ता है और उनको खाने को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो क्या करते हैं, तो गाय मांस बहुत खाते हैं, गाय का मांस और सुअर वो सब खाते हैं, और इस तरह से चीज़ों को खाते हैं। उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए मसालों की ज़रूरत भी पड़ती है, साथ ही साथ खाने का स्वाद भी बढ़ा देती है मसाला। आपको पता है कि अगर आपने कुछ मसालों का लगातार सेवन किया है तो आपका दिमाग उसको हमेशा मांगने लगेगा, आपका ब्रेन उसको खोजेगा। इसी तरह से मसाले ने भी यूरोपियंस को एक तरह से वशीभूत कर लिया था। अब उसके बिना वो रह ही नहीं सकते थे। इसके लिए उनको व्यापार भी करना जरूरी था और भारत से माल लेकर के पूरे यूरोप में भी फैलाना था, क्योंकि उससे बहुत अधिक लाभ मिल रहा था। उस लाभ का फायदा मुख्यतः जो है वह अरबी लोग उठा रहे थे, क्योंकि अरब का व्यापार भारत के साथ काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। अब ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस लोगों का व्यापार भारत से नहीं होता था जब तक यूरोपियन लोग भारत में नहीं आए। इससे बहुत पहले भी यूरोप के साथ भारत का व्यापार चल रहा था। आपको पता होगा कि सिकंदर नाम का एक व्यक्ति था जो यूनान का रहने वाला था, और आपको ये भी पता होगा कि उसने भारत पे आक्रमण भी किया था और भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतने की कोशिश भी किया था, लेकिन ज़्यादा अंदर में वो आ नहीं पाया था। वो भी यूनान का ही था, यूरोप का था। तो कहने का मतलब है कि उस समय भी भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध, राजनैतिक संबंध यूरोप से था। लेकिन बीच में ऐसा एक घटनाक्रम होता है कि एक लिंक ही तोड़ दिया जाता है और यूरोपियंस लोगों को मजबूरन समुद्री मार्ग को ढूंढना पड़ता है। अब ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। इसके बारे में हम लोग बाद में अभी समझेंगे। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यापारी लोग थे, जो दलाल लोग थे, जिसको आप दलाल भी कह सकते हैं, व्यापारी लोग थे, और जो मर्चेंट्स लोग थे उनको सौदागर कहते हैं, वो लोग देखते ही देखते कैसे भारत को और एशिया को गुलाम बना लेते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं और उनके संपत्तियों पर अधिकार कर लेते हैं।
और किस तरह से वह शासन करते हैं, इसके पीछे का एक पूरा कहानी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए, इतिहास के विद्यार्थी को सिर्फ तथ्यों को रटने से इतिहास पूरा नहीं होता है। आपको अगर एग्ज़ाम्स पास करने हैं यूपीएससी और नेट जैसे एग्ज़ाम्स को, और भी अब तो एग्ज़ाम में अब देख रहे हैं कि काफ़ी जटिल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी ही क्यों ना हो, तो आपको कंसेप्ट को भी समझना है, तथ्यों को भी समझना है, लेकिन कंसेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है। जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा तथ्य आपको याद होगा। तो इसके लिए आपको बेसिक्स एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि इतिहास जो है, इतिहास कहते किसको है। देखिए, एनसीईआरटी के बुक में इतिहास की स्पष्ट परिभाषा ये लिखी गई है कि निश्चित रूप से ऐसा ही था, उसको इतिहास कहते हैं। ये इतिहास जो है वह संस्कृत के शब्द से बना हुआ है, इति जोर ह जोर आस, और उसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो इतिहास को ऐसे तीन वर्गों में बांटा गया है, एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास, एक है आधुनिक इतिहास। हम लोग जो यूरोपियंस का भारत में आगमन जो पढ़ रहे हैं वो आधुनिक इतिहास का पार्ट है। कुछ लोग आधुनिक इतिहास पर विवाद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसकी शुरुआत 1707 में हुई जब औरंगजेब मर गया, कुछ लोग कहते हैं 1757 में हुई जब प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, और अंग्रेजों ने किस तरह से बंगाल पर अधिकार कर लिया था, उस समय से मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं 1761 में हुआ था, 1761 में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त करके पूरे मराठों का जो है वह भविष्य ही चौपट कर दिया था, वह भारत के शासक नहीं बन सकते थे, वहां से भी मानते हैं। लेकिन देखिए, ये कोई निश्चित डेट नहीं है कि कहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू होता है और कहाँ से आधुनिक काल शुरू हो जाएगा और कहाँ से प्राचीन काल शुरू हो जाता है। मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं कि जो प्राचीन काल है वह होमिनीड के काल से शुरू होता है। पहले प्राइमेट थे हम लोग, उसके बाद होमिनीड बनता है, उसके बाद आधुनिक मानक, आपने सुना होगा रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस तरह से चीज़ों को आपने सुना होगा, इमेजिन किया होगा, होमोसेपियंस वगैरह, इसके बारे में भी आपने सुना है। तो वहाँ से जब शुरू होती है ना, होमिनीड से जब हम लोग शुरू होते हैं, जब आदि मानव से मानव बनते हैं, वहाँ से इतिहास जो शुरू होती है उसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास कहाँ से शुरू होती है, जब भूमि व्यवस्था पर कुछ खास वर्गों का अधिकार हो जाता है तो उसको बोलते हैं सामंतवाद, तो वहाँ से शुरू होती है मध्यकाल का। और जब सामंतवाद का अंत हो जाता है, अंत होने लगता है, तो वहाँ से शुरुआत हो जाता है आधुनिक काल का। तो आप इस चीज़ को समझे रहिएगा कि आधुनिक काल और मध्यकाल में अंतर क्या है। मुख्य अंतर है कि कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ें जो है वो बदल जाती है अचानक से। कहा जाता है कि आधुनिक काल तब आया जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, खास करके इटली वाला क्षेत्र में। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैल गया था, धार्मिक जो चीज़ें हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ, धार्मिक कंडीशंस ज़्यादा हावी हो गए थे। पोप का वर्चस्व होगा, ईसाई का वर्चस्व हो गया, अंधविश्वास फैल गया, आधुनिक ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी ही नहीं हो पा रहा था, उसमें अन्वेषण ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अचानक से जब पुनर्जागरण होता है तब जाकर के उसमें एक साइंटिफिक प्रवृत्ति पैदा होती, टेंडेंसी पैदा हो जाती है, वह चीज़ों को खोजना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उस खोजने और समझने के चक्कर में वह साम्राज्यवाद को भी स्थापित कर देते हैं। और कहा जाता है कि उसी प्रवृत्ति ने पूंजीवाद को पैदा किया है, उपभोक्तावाद भी पैदा हो गया, उसी कारण से लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लगे। तो पूंजीवाद के प्रभाव से वो लोग कच्चा माल ढूंढने के लिए, यूरोपियंस लोग कच्चे माल को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े अपने क्षेत्रों से और दूर दूर तक की यात्राएं की। उन्होंने अमेरिका तक की यात्राएं की, उन्होंने एशिया तक की यात्राएं की, और इस तरह से उन्होंने चीज़ों को ढूंढना, उसको उपनिवेश बनाया, और बाद में उससे लाभ लेकर के उन्होंने और ज़्यादा अपना लाभार्जन किया। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि इस सबके पीछे का मोटिव क्या था, जो यूरोपियंस लोग भारत में आ रहे थे। देखिए, मोटा मोटी अगर कहे तो इसके पीछे का मोटिव था साख, जिसको बोलते हैं क्रेडिट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। लेकिन पैसा में और साख में अंतर होता है। साख का मतलब क्रेडिट है, पैसा मतलब कैपिटल है। पैसा को हम देख लेते हैं, भले ही उसकी वैल्यू अलग अलग होती है सब पैसे की। साख जो है ना, साख का मतलब होता है जैसे अगर कोई बैंक से आप कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को फिर आपको बैंक को देना पड़ता है, वह भी इंटरेस्ट के साथ। तो क्या किए कि आपने जितना लिया था उससे ज़्यादा राशि आप बैंक को देते हैं, तो यह कहा जाएगा कि बैंक जो है इस तरह से अपना साख का सृजन कर रहा है।
क्रेडिट का क्रिएशन कर रहा है। आप भी अगर किसी को कर्जा देते हैं तो जब वह मूल धन समेत इंटरेस्ट भी आपको देता है तो निश्चित रूप से आपकी रकम बढ़ जाती है, इससे आपके आपका भी साख का सृजन हो गया। तो साख जो होता है ना, वह बिना साख के कोई भी बिजनेस आजकल खड़ा नहीं हो सकता है, ये पूरा वर्ल्ड ही साख पे चल रहा है। तो उस समय भी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां बनाई गई थी यूरोपियंस के द्वारा। आपने अभी आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको उसको और ज़्यादा साख की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा साख सृजन की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग सब व्यापारी लोग मिल करके और शासक वर्ग मिल करके एक संगठन बना लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उस संगठन से वह दूर दूर तक की यात्राएं करते हैं उस पैसे का इस्तेमाल करके और नए नए क्षेत्रों को खोजते हैं। तो साख जो है ना, जब सृजन होता है साख का, उसके बाद खोज अभियान शुरू होता है और खोज अभियान के कारण नए नए क्षेत्र मिलते हैं, वहाँ पे उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं और उपनिवेश जब स्थापित कर लेते हैं तो वहाँ और ज़्यादा पैसे उनको मिलता है, इससे और ज़्यादा भरोसा बढ़ता है निवेशकों का और उस भरोसे से और ज़्यादा साख का सृजन हो जाता है, और ज़्यादा क्रेडिट पैदा होता है और इससे फिर से नई खोजें शुरू हो जाती है, फिर से उपनिवेश स्थापित होते हैं, फिर से एक भरोसा कायम होता है, फिर से साख पैदा हो जाती है। इसका मतलब है कि एक चक्र में चल रहा है ये सब, ये चक्र में चलते रहता है, साख से खोज, फिर उपनिवेश, फिर भरोसा पैदा हुआ, फिर साख, और इस तरह की चक्रीय प्रवृत्ति चलती रहती है और ये लोग आते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उपनिवेश स्थापित करते रहते हैं और इस तरह से दुनिया का संचालन होते रहता है। तो इस चीज़ को आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से यूरोपियंस किस क्रम में आए, उस क्रम को समझना एकदम निहायत ही जरूरी है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं 1498 में। आपको पता है कि वास्को डी गामा भारत में आता है 1498 में। भारत की खोज उसने नहीं किया था, उसने भारत में आने वाले समुद्री रास्ते को खोजा था। तो 1498 में भारत में आता है और 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है और वह भारत के अंदर में आकर के कोचीन में पहला फैक्ट्री खोलता है 1503 में और दूसरा फैक्ट्री खोलता है कन्नूर में 1505 में और तीसरा फैक्ट्री खोलता है गोवा में 1510 में। देखिए, आप ये समझ लीजिए कोचीन कहाँ है। कोचीन देख रहे हैं आप, केरल में है। कन्नूर भी केरल में ही है। तो कोचीन और कन्नूर में है अपना फैक्ट्री खोलता है और गोवा जो है, गोवा आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्नाटक के बगल में यहाँ पे है, तो गोवा में भी फैक्ट्री खोलता है। गोवा बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने वहाँ पे फैक्ट्री खोला और इसके कारण उसको इस पूरे अरब सागर पे और इस तटीय क्षेत्रों में नियंत्रण रखने में उसकी मदद की। तो इसके बारे में पूरा इतिहास है, हम तो उसको बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटी समझिए कि कौन सा कब आया। उसके बाद आते हैं डच। डच जो है उसी को नीदरलैंड के निवासी भी कहा जाता है। डच जो है वो होलैंड पहले कहा जाता था, अब उसको नीदरलैंड कहा जाता है। यूरोप में एक देश है, छोटा सा देश है अभी, उस समय ये काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। इसने भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाया था और व्यापार करने के लिए वह चल पड़ा था अपने क्षेत्र से, यूरोपियन ये एशिया की तरफ चल पड़े थे और यह 1605 में अपने देश से चला था, भारत में आया था 1605 में। इसने अपनी कंपनी जो बनाई थी वह 1602 में बनाई थी डच ने, और वह मसूलीपट्टनम में सबसे पहले आकर के अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अब मसूलीपट्टनम कहाँ है, वो आप देख रहे हैं भारत के आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम, सबसे पहली फैक्ट्री उसने खोला था वहाँ पे। उसके बाद उसने पोत्तुपल्ली में अपना एक फैक्ट्री लगाया था जो कि आजकल वह तेलंगाना में पड़ता है, वहां पे उसने लगाया था, यहीं पे तेलंगाना है। उसी तरह से उसके बाद तीसरा नंबर पे ब्रिटिशर्स आए। अब देखिए, इसमें जो आते हैं ना पुर्तगाली, जब आते हैं तो डच से उनका मुकाबला होता है, डच इनको पूरी तरह से हटा करके अपना राज स्थापित करता है। उसके बाद डचों को ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स नहीं आते हैं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जिसकी स्थापना कुछ व्यापारियों ने मिलकर किया था, कुछ दलालों ने मिलकर किया था, कुछ मर्चेंट्सों ने मिलकर के किया था। और भाई साहब, आपको एक जानकारी आपको हम दे देते हैं कि भारत पे जो शासन स्थापना किया था वह ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया था बल्कि यही जो आपको दलाल लोग थे, यही जो व्यापारी लोग थे, वह आकर के भारत पे कब्जा करते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी,
3.5 लाख इसने सेना बना लिया था, और सारे के सारे सेना ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो सब भाड़े के सेना थे, वो बहाल करता था अपना सेना, सब के सब भाड़े के टट्टू टाइप के थे, और वही भाड़े के टट्टू से उसने इंडिया को फतह कर लिया था, इंडिया को उसने जीत लिया था, और वही नहीं 100 सालों तक गुलाम बना के रखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तो समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जब 1858 ईस्वी में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अब आपका एक अधिकार नहीं रहेगा, क्राउन के सीधे कब्जे में भारत की शासन व्यवस्था आ जाती है, उसके बाद सीधे सीधे भारत का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और सीधे सीधे नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया जाता है, और उसके बाद शोषण की जो शुरुआत होती है वो मत पूछिए, उसके बाद और ज़्यादा शोषण की शुरुआत होती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस पर तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन अभी आप समझिए कि ब्रिटिशर्स जो है वो 1608 में सबसे पहले भारत में एंट्री करते हैं, भारत में आते हैं, और उनकी कंपनी जो बनती है वो 1600 में बनाया जाता है, कंपनी 1600 में बना, लेकिन आया कब 1608 में, और उसने सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री बनाया। पहले कोशिश तो उसने सूरत में किया था, लेकिन सूरत में इजाज़त नहीं मिली इसलिए कर नहीं पाया, उसके बाद वह मसूलीपट्टनम में बनाता है 1611 में, लेकिन वह भी अस्थाई होता है, बाद में वह फिर से सूरत में 1613 में अस्थाई फैक्ट्री बनाता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ब्रिटिशर्स ने अस्थाई फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगाया था, तो मसूलीपट्टनम कहेंगे, और अस्थाई पूछेगा तो 1613 में सूरत में लगाया था, इसको याद रखे रहिए। उसके बाद देखिए डेनमार्क, उसके बाद आते हैं डच, ये डेनमार्क, डेनमार्क जो है वह भी एक छोटा सा देश है यूरोप में, 1620 में वो भारत में आ जाते हैं, उन्होंने फैक्ट्री भी जो बनाई थी वह 1616 में बनाई थी, सॉरी 1616 में स्थापना किया था उसने अपनी कंपनी का, और वह कंपनी भारत में आती है 1620 में, और सबसे पहला अपना जो फैक्ट्री लगाया वह ट्रंको बार में लगाता है, जो तंजौर तमिलनाडु में है, आप देख रहे हैं यहाँ तमिलनाडु, यहाँ तंजौर है, यहाँ पे सबसे पहले अपना एक फैक्ट्री लगाता है 1620 में, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, पाँचवा नंबर पर आते हैं फ्रांसीसी, ये सबसे लास्ट में आते हैं, और 1668 में वह भारत में पहुंचते हैं 1668 में, और सबसे पहले उन्होंने जो अपनी कंपनी बनाई थी उस कंपनी का स्थापना उसने किया था 1664 में, कंपनी बनाया 1664 में, इंडिया में आया 1668 में, और सबसे पहले आकर के प्रारंभिक फैक्ट्री उन्होंने लगाया 1668 में सूरत में, और सूरत के बाद उसने लगाया मसूलीपट्टनम में। तो यहाँ से फ्रांसीसी और आपका ब्रिटिशर्स से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, फ्रांसीसी सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं 1668 में जो सफल हो जाता है, बाद में फिर वह मसूलीपट्टनम में भी लगा लेते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स सूरत में लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, बाद में वो मसूलीपट्टनम में लगाएंगे, फिर जाकर ये मसूलीपट्टनम में फिर जाके सूरत में वो लगाएंगे। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, उस पर अभी हम एकदम आसानी से आपको बता देते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है उसको अभी बता देते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जाने का क्रम देखिएगा कि जो सबसे पहले आया पुर्तगाली वो सबसे लास्ट में गया 1661 में गया, लेकिन अब आप देखिएगा इसमें उसके बाद फ्रांसीसी गए 1954 में, सबसे लास्ट में कौन गया पुर्तगाली, उसके बाद हम ये जो है घटते क्रम में जा रहे हैं 1954 में, उसके बाद आप देखेंगे कि 1947 में ब्रिटिशर्स है, उसके बाद देखेंगे 1854 में डेनमार्क है, उसके बाद डच है 1700, तो याद रखना है इस चीज़ को, लेकिन आप उसके पहले ये समझिए कि जब पुर्तगाली भारत में आते हैं उस समय किसका शासन था दिल्ली पे, तो सिकंदर लोदी का था, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली के राजगद्दी पर था, इसीलिए सिकंदर लोदी के काल में पुर्तगाली आते हैं भारत में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप याद रखे रहिएगा। दूसरा, जब 1556 से लेकर 1605 में अकबर का शासन था भारत में, मुगल शासन था, तो देखिए कौन कौन आया था 1556 से लेकर 1605 के बीच में, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है वह 1608 में आते हैं, उस समय अकबर का शासन नहीं था, लेकिन जब इसने कंपनी बनाया था 1600 में
तब अकबर का शासन भारत में था, मुगल शासक था वो, 1600 में कंपनी बनाया तब अकबर था, लेकिन जब 1608 में ब्रिटिशर्स आए तब जहांगीर का शासन चल रहा था, इसलिए ब्रिटिशर्स जो है वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। कैप्टन हॉकिंस के बारे में आप जानते हैं। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो डेनमार्क है वह 1616 में कंपनी बनाता है, 1620 में आता है, तो आप देख रहे हैं कि वह भी जहांगीर के काल में आता है, जहांगीर के काल में आता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि फ्रांसीसी जो कि 1664 में कंपनी बनाता है और 1668 में भारत में आता है, वो औरंगजेब के काल में आता है। तो इस चीज़ को आप याद रखे रहिएगा कि कब कंपनी बना है और उस समय भारत में शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि आने का क्रम और जाने का क्रम क्या है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, इसमें हमने आपको एक बात अभी बताया था, इसमें डच नीदरलैंड्स को ये समझिए कि 1759 में एक वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में, और डच को हार का सामना करना पड़ गया और ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्री बेच करके वो यहाँ से खिसक लिए, इंडिया से वो निकल लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है वेदरा, ठीक है। तो 1759 में इनकी स्थिति एकदम डबाडोल हो गई, खराब हो गई, इसलिए इनको यहाँ से निकलना पड़ा। और आप ये भी जानिए कि डेनमार्क जो 1854 हम लिखे हैं यहाँ पे, 1854 में डेनमार्क अपनी कंपनी को किसके हाथों बेचता है, यह भी ब्रिटिशर्स के हाथों ही बेच देते हैं, और 1854 में ब्रिटिशर्स इनकी कंपनी को ब्रिटिश सरकार खरीद लेती है और फिर डेनमार्क भारत से अलविदा हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ है। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए पी से मतलब पुर्तगाल होगा, डी से मतलब डच होगा, और बी से मतलब ब्रिटिशर्स है, डी से मतलब डेनमार्क है, और एफ से मतलब फ्रांसीसी है। तो यहाँ पे याद रखिए PDBDF है ना, PDBDF। अब इसको आप सामने एक रीजनिंग टाइप का बना लीजिए, जैसे इसके सामने लिख दीजिए एक, इसके सामने लिख दीजिए दो, इसके सामने लिख दीजिए तीन, इसके सामने लिख दीजिए चार, और फ्रांसीसी के सामने लिख दीजिए पाँच, और इसको आप रीजनिंग की तरह मिला लीजिए। याद करने का हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। पी को सीधे पाँच से मिला दीजिए, इस मेंटल मैप को आप याद रखे रहिएगा। डी को दूसरे नंबर पे मिलाइए, बी को तीसरे नंबर पे मिलाइए, और इस डी को एक नंबर पे मिला दीजिए, और एफ को चार नंबर पे मिला दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए पुर्तगाली जो है पहला नंबर पे आए लेकिन पांचवें नंबर पे गए, डेनमार्क देखिए दूसरा नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे चले गए, इसको याद रखे रहिएगा यहां पे है। उसी तरह से ये डेनमार्क दूसरे नंबर पे आते हैं, और डच जो है दूसरे नंबर पे आते हैं और दूसरे नंबर पे ही चले जाते हैं, और ब्रिटिशर्स जो है वह तीसरे नंबर पे आते हैं और तीसरे नंबर पर ही जाते हैं, 1947 में जाते हैं, आपको पता ही होगा। उसी तरह से डेनमार्क चौथा नंबर पे आते हैं लेकिन पहला नंबर पे चले जाते हैं, तो सबसे पहले भारत से जाने वाला कौन था, तो डेनमार्क था। उसी तरह से फ्रांसीसी पांचवा नंबर पे आते हैं लेकिन चौथे नंबर पे वो भारत से जाते हैं, ये कब जाते हैं, 1954 में, और पुर्तगाली कब जाते हैं, ये जाते हैं 1961 में। अब देखिए इसको याद कैसे रखे, 1947 में सात जोड़ दीजिएगा तो 1954 हो जाएगा, अब 1954 में सात जोड़ दीजिएगा तो 1961 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1947 में ब्रिटिशर्स चले गए, उसके सात साल के बाद फ्रांसीसी चले गए, और 1954 के सात साल के बाद 1961 में पुर्तगाली चले गए, तो आपको याद करने में आसानी हो गया। अब इस तरह से चीज़ों को आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको याद करने का हमने आप एक ट्रिक बता दिया है, मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम और ज़्यादा इसमें डिटेल में इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जाएंगे और खोजेंगे कि ये कैसे कैसे आते हैं, और वास्को डी गामा कैसे आता है, कोलंबस कैसे खोज करता है चीज़ों को, और स्पेन और क्या क्या करता है, बार्थोलोमियो डियाज, इस सब के बारे में आपको हम सेकेंड पार्ट में वीडियो का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।